क्या आपको पता है कि कोका कोला की शोध एक एक्सीडेंट थी? कोई दूसरी चीज पर काम करते हुए इसकी शोध हुई थी? कुछ दवाई चाहते थे उनके जो प्रोड्यूसर है वो, और उनको कोका कोला मिल गई। वेल, जेपी मूवी क्राफ्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जय बदियानी। इस सीरीज में हम इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर को समझने की कोशिश करते हैं, रीड करते हैं और उसके बाद आपके सामने रखते हैं। ऐसे कुछ रिसर्च पेपर यहाँ पे है जिससे कि आप बोल उठेंगे कि वाह भाई मजा आ गया। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। नियमित नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। अगर आप बेल आइकॉन को क्लिक नहीं करते हो तो ये सब्सक्रिप्शन आपका अधूरा है, क्योंकि वो आपको नियमित नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाएगा। कोका कोला के आविष्कार एक चतुर व्यापारी द्वारा नहीं किया गया था, मिठाई के कोई विक्रेता द्वारा भी नहीं किया गया था, या पेय पदार्थ के धनी कोई द्वारा भी नहीं किया गया था। ये कोई लीकर का मालिक नहीं था, लीकर कंपनी का मालिक नहीं था, या फिर ये कोई चतुर व्यापारी भी नहीं था जैसे पहले बताया गया। कन्फेडरेट कर्नल जॉन पेम्बर्टन, जो अमेरिकी गृह युद्ध में घायल हो चुके थे और मॉर्फिन के आदि हो चुके थे, वो मॉर्फिन के हैबिचुअल हो चुके थे, उनको मॉर्फिन की लत लग चुकी थी। उन्होंने ये दवा जो समस्याग्रस्त थी, ड्रग्स थी, उससे छुटकारा चाहते थे और उसके विकल्प की खोज की। उनको तो सिर्फ अपने सिर दर्द का इलाज करना था और कुछ नहीं चाहिए था। वैसे से वो एक फार्मासिस्ट थे और उनको वो सर दर्द बड़ा परेशान कर रहा था। उन्होंने अपनी उम्मीद के मुताबिक सिर दर्द के इलाज में दो मुख्य चीज का इस्तेमाल किया, कोक के पत्तों का इस्तेमाल किया और कोका कोला, आई सॉरी, कोला के नट्स का इस्तेमाल किया। जब उनके लेबोरेटरी असिस्टेंट ने गलती से ये दोनों चीज मिला कि कार्बोनेटेड पानी में, यानी कि सोडा में, तो दुनिया को पहला कोक मिल गया। तो ऐसे हुई भाई कोक की शोध। लेकिन यहां पे दुख की बात यह है कि पेम्बर्टन की 2 साल बाद ही मृत्यु हो गई और उसने कभी अपने साधारण मिश्रण को एक शीतल पेय साम्राज्य में, कोल्ड ड्रिंक के एक किंगडम में बदलते हुए, जन्म देते हुए नहीं देखा था। फोर्ब्स के फर्स्ट 5 में ऑलमोस्ट हर बार कोका कोला कंपनी रहती ही है। वो फोर्ब्स की 500 कंपनीज, 500 फर्स्ट कंपनीज, जो दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनीज है, उसमें फर्स्ट 5 में ऑलमोस्ट कोका कोला रहती है। ये पेम्बर्टन कभी नहीं देख पाए। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।